बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आज के इजलास में तो बजट पर बहस करनी थी, लेकिन दोस्तों ने दुनिया जहां के मसले उठा लिए, तो उस पर भी मैं समझता हूं कि वजाहत देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के गुस्से, अल्फाज और जज्बात से आपको मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट की कामयाबी का बखूबी इलम होगा कि असम्बली में काम न करने की बजाय हमारे लोगों के वर्करों की तस्वीरें दिखाई जा रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं और इफ्तिताह कर रहे हैं, जिस पर हमें फ़ख्र है। बाकी पहले दिन से दोस्तों ने हुकूमत के साथ तआवुन की बजाय रोड़े अटकाने की कोशिश की, जहां से हम तफ्तान बॉर्डर का मसला हो गया, जहां हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी लेवीज़ ने इतने पाकिस्तानियों को अपनी जान का रिस्क उठाकर उसको जो है अपने उस तक अंतकी अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि बजट इजलास के दिन वो हजरात, वो हुक्मरान इस हुकूमत के बारे में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते, जो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता है कि मैं किसी के लिए इस्तेमाल करूं, कि जिनके दौर में यहाँ क्वेटा के बासी शहीद होते थे तो कहा जाता था कि इनको टिश्यू पेपर दो, वो भी आज उस हुकूमत पर तंकीद कर रहे हैं जिसने साने हजार टाउन जैसे जालिमों को 24 घंटे से पहले पकड़ा, जिसने साने डनुक जैसे जालिमों को, तमाम इश्तियारी अफराद को पुलिस ने जो है जो नॉमिनेट थे या नॉमिनेट नहीं थे, सबको 24 घंटे 48 घंटे में पकड़कर सुरखरू हो गए। तो मुझे फ़ख्र है कि हमने मुलजमान पकड़े हैं, हमने शहीदों पर तंज नहीं किया है। बाकी मौजूदा बजट के हवाले से मैं बताऊं कि जो मेगा स्कीम्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिला तासुब बगैर, पूरा बलूचिस्तान हमारा है, जहाँ से अपोजिशन जीती है वो हल्के भी हमारे हैं, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, तो हमने वहाँ जो वज़ीर आला साहब की तरफ से प्रोविंशियल हमारे बजट्स में जो स्कीम्स थे वो हमने इक्वली तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किए हैं। बाकी अपोजिशन हजरा दोस्तों के साथ हमारी बातचीत हुई है, बातचीत में कुछ मसले मसाइल, उनके कुछ तहफ़ात को मैं दुरुस्त समझता हूँ, उनसे हमारी बात हुई है, उनसे हमारी ज़ुबान हुई है कि ये जो है बजट में ये चीज़ें इस तरह आपके जो इसकी तजावीज़ हैं उस पर मैं समझता हूँ कि ना वज़ीर आला का कसूर है, ना अपोजिशन का कसूर है, ना हमारा कसूर है। वो मुज़ाकरात इतने हम तूल देते गए कि उसमें बजट के आने के दिन प्रिंटिंग में भी मसले हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम अपने उस कमिटमेंट पर अभी भी कायम हैं। इधर बलूची का बात किया गया, हर चीज़ पर पश्तों का बात किया गया, एक ज़ुबान हमने किया है उस पर हम कायम है। उसमें आपकी कमज़ोरी गलती की वजह से जो चीज़ें तजावीज़ रह गई हैं या जो हमारी कमज़ोरियों की वजह से, उस सब का हम जायज़ा ले रहे हैं। हम आपके साथ कल भी बैठे थे, आगे भी हमें आपके साथ बैठना है, आगे भी आपके साथ जो है मुज़ाकरात करने हैं। हम राय फरार नहीं इख्तियार करते कि हमने आपसे बात नहीं की है, हम उन चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं और आपको हम उस पर ज़रूर मुतमईन करेंगे। तो इस अवामी बजट बनाने पर मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनकी टीम को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहबों के आदिल बुगटी साहब, अब्दुर्रहमान बुज़दार साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ज़हूर बुलेदी साहब, नूरलख साहब, इनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बजट में बलूचिस्तान के जो लोगों के अहम मसाइल थे उनको एड्रेस किया है और एक तारीखी बजट बलूचिस्तान के लोगों को दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया लांगो साहब।